नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। शाम तक की खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के 19 जिलों में बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट। पंचायतों का ऑडिट नहीं कराने वाले अधिकारियों की अब खैर नहीं। बिहार के लाल को मिला वीरता पुरस्कार। बिहार म्यूजियम की सबसे बड़ी गैलरी खुलेगी सितंबर महीने में। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के 19 जिलों में बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट। बिहार के 19 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में मॉनसून अगले 24 घंटे के अंदर सक्रिय होने वाला है। मॉनसून के सक्रिय होते ही बिहार में एक बार फिर से झमाझम बारिश की संभावना देखी जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि एक ट्रफ लाइन बिहार के ऊपर से गुजर रही है, जिससे मॉनसून की सक्रियता फिर बढ़ी है। इस बदलाव के चलते उत्तर पूर्वी और उत्तर मध्य बिहार के 19 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ 26 जुलाई से मॉनसून की सक्रियता से उत्तर पूर्वी बिहार के सुपौल, अररिया, मधुबनी, मधेपुरा और उत्तर मध्य दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया से लगभग 19 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बिहार में आईसीएसई रिजल्ट में इतने प्रतिशत बच्चे हुए पास। कोविड-19 के माहौल में काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने बीते दिन 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी, जिसके तहत इस बार बिहार के छात्रों को अच्छे खासे अंक से पास कर दिया गया है। बोर्ड की तरफ से जारी किए गए रिजल्ट के अनुसार 10वीं की परीक्षा में बिहार के 99.92 और 12वीं की परीक्षा में 99.91% छात्र पास हो गए हैं। वहीं 10वीं में 99.93% लड़कियां पास हुई हैं और 99.92% लड़के पास हुए हैं, जबकि 12वीं में 100% लड़कियों ने बाजी मारी है और 99.86% लड़के पास हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण आईसीएसई ने 10वीं 12वीं की परीक्षा को नहीं लेने का फरमान सुनाया था, जिसके बाद बगैर परीक्षा के ही रिजल्ट बीते दिन जारी किया गया है। आज से शुरू हुआ सावन का पावन महीना। आज से सावन महीने की शुरुआत हो गई है। सावन का हर दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। सावन महीने के सोमवार को भोलेनाथ और मंगलवार को मंगला गौरी की पूजा का विधान है। हालांकि पिछले साल की तरह इस साल भी सावन पर कोरोना का ग्रहण लगा हुआ है। यही कारण है कि सावन के महीने में शुरू होने वाले कांवड़ यात्रा पर इस बार भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही इस दौरान देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर का पट भी नहीं खुलने वाला है। इसके साथ ही आज से शुरू होने वाले सावन महीने के दौरान सतर्क मोड में काम प्रशासन कर रही है। 20 अगस्त तक हो जाएगी ईवीएम की फर्स्ट लेवल टेस्टिंग। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां तेजी से बढ़ रही है। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग हर दिन पंचायत चुनाव को लेकर कई नई तैयारियों की समीक्षा भी कर रहा है। इसी बीच अब जो ताजा अपडेट निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक आगामी 20 अगस्त तक ईवीएम के फर्स्ट लेवल टेस्टिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा। इस बाबत निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के डीएम को अपने यहां ईवीएम का एफएलसी कराने के लिए निर्देश जारी कर दिया है। ईवीएम की फर्स्ट लेवल टेस्टिंग के लिए सभी जिलों को ईवीएम निर्माता कंपनियों से तकनीकी विशेषज्ञों को बुलाने और इसके लिए दूसरी गाइडलाइन जारी करने का आदेश दिया गया है। यानी कि 20 अगस्त तक सभी जिलों में एफएलसी की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। आपको बता दें, प्रशासन ने विशेष निगरानी में ईवीएम का फर्स्ट लेवल टेस्टिंग करने का आदेश जारी किया है। संबंधित ईवीएम निर्माता कंपनियों के इंजीनियर आयोग के निर्देश पर जिले में जाकर इसे जांच की जाएगी। बिहार के लाल को मिला वीरता पुरस्कार। यह वाक्य हाजीपुर सदर प्रखंड अंतर्गत बलुआ कुआरी के रहने वाले सीआरपीएफ जवान से जुड़ा है। दरअसल सीआरपीएफ जवान संजीव कुमार को राष्ट्रपति से वीरता पुरस्कार मिला है, जिसके बाद घर वालों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। मिली जानकारी के अनुसार सीआरपीएफ में हवलदार के पद पर कार्यरत संजीव कुमार बीते 26 फरवरी 2018 को पलामू के जंगल में संघर्ष करते देखे गए थे, जहां पर उन्होंने 6 उग्रवादियों को गिराने में कामयाबी हासिल की थी, जिसके बाद राष्ट्रपति के हाथों संजीव कुमार को वीरता पुरस्कार दिया गया। संजीव कुमार को राष्ट्रपति के द्वारा वीरता पुरस्कार दिए जाने के बाद पूरे वैशाली जिले में उनकी ही चर्चा हो रही है। इस दौरान परिजनों का कहना है कि उन्हें काफी खुशी मिली। यही कारण है कि उन लोगों ने घर पर तिरंगा से पूरी तरीके से सजा दिया है। पटना एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। कोरोना संक्रमितों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है और नियमों में भी सरकार ने ढील देना शुरू कर दिया है, जिससे कि सफर करने वाले यात्रियों की संख्या स्टेशन और एयरपोर्ट पर बढ़ने लगी है, जिसमें यात्रियों की सुरक्षा बड़ी चुनौती है। इसी बीच पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की बढ़ रही संख्या को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है। साथ ही एयरपोर्ट परिसर में सघन अभियान जांच की शुरुआत भी कर दी है। एयरपोर्ट पर भीड़ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही सीआईएसएफ ने भी सुरक्षा व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया है। एयरपोर्ट परिसर में डॉग स्क्वाड के साथ साथ सीआईएसएफ के जवान आने जाने वाले यात्रियों
यात्रियों के सामानों की लगातार जांच कर रहे हैं। साथ ही एयरपोर्ट परिसर में आने जाने वाले सभी लोगों पर नजर रखी जा रही है। बिहार में एम्बुलेंस की खरीद पर सरकार दे रही है 2 लाख रुपए। बिहार में एम्बुलेंस की खरीद पर सरकार 2 लाख रुपए देने की योजना के साथ काम कर रही है। इस बाबत बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संवाद से 50 CNG बस और 350 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाने के बाद पत्रकारों से उक्त बातें कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीमारी के समय गांव से शहरों के अस्पताल आने में काफी दिक्कत होती है, अब ऐसे लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। सभी ब्लॉक में 2 लाख लाभुकों को एम्बुलेंस के किराए पर अधिकतम 2 लाख रुपए अनुदान दिया जा रहा है। इसके साथ ही इस साल के अंत तक सभी प्रखंडों में 2 लाभुकों को एम्बुलेंस प्रदान करने का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। एम्बुलेंस की सुविधा होने से ही कोविड-19 के साथ ही अन्य बीमारियों एवं सड़क दुर्घटना के शिकार होने की स्थिति में लोगों को अस्पताल तक ससमय पहुंचाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ओलंपिक से कारगिल विजय दिवस तक का मन की बात में किया जिक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से मन की बात के 79वें भाग के तहत देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक खेलों का जिक्र करते हुए देशवासियों से भारतीय खिलाड़ियों को चीयर करने की अपील की है। साथ ही कारगिल विजय दिवस और करीब आ रहे स्वतंत्रता दिवस का जिक्र किया। इसके तहत उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को तिरंगा लेकर चलता देखकर मैं काफी रोमांचित हो उठा। सभी देशवासियों से अपील है कि खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते रहे। इस बार 15 अगस्त को देश अपनी आजादी के 75 साल में प्रवेश कर रहा है, यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसके साथ ही उन्होंने वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की अपील की है, जिसके तहत उन्होंने कोविड-19 के वर्तमान माहौल में सभी लोगों से सचेत रहने की अपील की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कोविड-19 का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, लोगों से अपील है कि वो सावधानी से रहे। बिहार म्यूजियम की सबसे बड़ी गैलरी खुलेगी सितंबर महीने में। बिहार म्यूजियम की सबसे बड़ी गैलरी का दीदार जल्द ही बिहारवासी करने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिहार म्यूजियम की यह सबसे बड़ी गैलरी 1 सितंबर तक दर्शकों के लिए खोल दी जाएगी, जिसके बाद दर्शक इस गैलरी में गुप्त काल से पहले और इसके बाद के इतिहास के साथ जैन बुद्धिज्म के साथ साथ मौर्य लोक तक के इतिहास से रूबरू हो सकेंगे। इसमें कुल मिलाकर 62 वर्ग होंगे, जिसमें 22 प्रदर्शक चुने गए हैं और 40% तक सितंबर में गैलरी दर्शक के लिए खोल दिए जाएंगे। दर्शकों के लिए इस गैलरी में सबसे अधिक आकर्षक जहानाबाद की बराबर गुफाएं, तोरण द्वार, राजगीर की साइक्लोपियन दीवार, कलिंग युद्ध पावापुरी जल मंदिर खास होगा। आपको बता दें कि राजगीर की साइक्लोपियन दीवार पर एक 40 किलोमीटर लंबी पत्थर का दीवार है, जिसने बाहरी दुश्मनों और आक्रमणकारियों से बचाने के लिए पूरे प्राचीन शहर राजगीर को भारतीय राजविहार से घेर लिया था। पंचायत का ऑडिट नहीं कराने वाले अधिकारियों की अब खैर नहीं। पंचायती राज विभाग ने अधिकारियों को पंचायतों का ऑडिट समय पर नहीं करवाने पर कार्रवाई की चेतावनी जारी कर दी है। सरकार ने इसको लेकर डेडलाइन भी जारी की है, जिसके तहत अब पंचायती राज संस्थाओं को सरकार की तरफ से दी गई विकास राशि का वार्षिक तौर पर योजनाबद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को जमा करना होगा। हालांकि इसको लेकर पहले ही सभी अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद काम समय पर नहीं हो पा रहा है। यही देखते हुए पिछले वित्तीय वर्ष की उपयोगिता प्रमाण पत्र देने की समय सीमा तय करते हुए विभाग ने निर्देश दिया है कि ऐसा नहीं करने वाले अधिकारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी साफ कर दिया गया है कि ऑडिट में लगे पंचायती कर्मियों को आगामी पंचायत चुनाव में प्रबंधन से अलग रखा जाएगा। समय सीमा तय करते हुए जिला पंचायती राज पदाधिकारियों से साफ किया गया है कि किसी भी स्तर से काम में कोताही हो तो उनका वेतन रोक दिया जाए और अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। चिराग पासवान ने बिहार में मध्यावधि चुनाव होने के दिए संकेत। लोक जनशक्ति पार्टी में घमासान छिड़ने के बाद इन दिनों चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा पर है। इसी क्रम में वो बीते दिन अपने संसदीय क्षेत्र जमुई में थे, जहां उन्होंने सरकार पर तीखा हमला किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उनकी झोपड़ी में आग लगाने की कोशिश की उनके घर में ही आग लग चुकी है। बिहार मध्यावधि चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहा है। नीतीश कुमार की कुर्सी डामाडोल हो गई है और सरकार में शामिल दलों का अंतर्कलह बढ़ता जा रहा है। सरकार को साजिश रचने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया है कि अगर मध्यावधि चुनाव होते हैं तो उनकी पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन चुनाव में किस दल से गठबंधन होगा या फिर वो अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे, इसका फैसला सही समय पर लेने की उन्होंने बात कही है। इतना ही नहीं, बीते दिन उन्होंने बिहार में जातीय जनगणना को लेकर छिड़ा विवाद पर भी इसका समर्थन किया है। जीतन राम मांझी ने कॉमन स्कूलिंग सिस्टम के लिए आंदोलन करने की कही बात। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कई दिनों से कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की मांग कर रहे हैं। वहीं अब इस मुद्दे को उनकी पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने समर्थन दिया है। साथ ही कहा है इसके लिए आंदोलन जल्द ही छेड़ी जाएगी। इस बाबत उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि देश में कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कही थी, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी इसे देश में लागू नहीं किया गया। इसके लिए हम लोग आंदोलन करने पर विचार करेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बीते दिन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के स्थापना का 6 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर गया में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने केक काटकर कार्यकर्ताओं को बधाई दी थी। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रहने के दौरान उन्होंने सैकड़ों फैसले लिए थे, लेकिन 34 फैसले ऐसे थे जिस पर अमल किया जाए तो बिहार का सामाजिक और आर्थिक उत्थान संभव है।
लोजपा प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज ने की मुख्यमंत्री की तारीफ। दो गुटों में बटी लोजपा व्यक्तिगत रूप से तो अलग अलग हिस्सों में नजर आ ही रही, अब वैचारिक मतभेद भी खुलकर सामने आने लगे हैं। जहां एक तरफ चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों की निंदा करते नहीं थकते, वहीं दूसरी तरफ लोजपा प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज ने मुख्यमंत्री की तारीफों के पुल बांध दिए हैं। लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद समस्तीपुर सांसद प्रिंस राज ने पहली बार पटना पहुंचकर मीडिया के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अब तक राज्य के लोगों के हित में कई बड़े काम किए हैं, जिससे बिहार वासियों का काफी ज्यादा फायदा हुआ है। वहीं जातीय जनगणना को लेकर प्रिंस राज ने कहा कि गरीबों और आम जनता के हक में कोई भी कार्य हो उसे सरकार को करना चाहिए। इसके साथ ही चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा से जुड़े सवाल पर कहा कि कोई भी पार्टी यात्रा निकाल सकती है, हर राजनीतिक व्यक्ति जनता का आशीर्वाद लेना चाहता है। 26 जुलाई को सेंट्रल हॉल में होगी एनडीए विधायक दल की बैठक। बिहार के मानसून सत्र को लेकर एनडीए विधानमंडल दल की बैठक 26 जुलाई यानी कि सोमवार को बुलाई गई है। सोमवार को शुरू हो रहे सत्र खत्म होने के बाद यह बैठक होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एनडीए के सभी चारों घटक दल के विधायक और विधान पार्षद बैठक में मौजूद होने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 26 जुलाई से 30 जुलाई तक बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चलने वाला है। सत्र को लेकर विपक्ष की रणनीति का जवाब देने के लिए एनडीए ने सोमवार को 1 बजे विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है। हालांकि कोविड-19 के कारण इस बार बैठक विधानसभा के सेंट्रल हॉल में बुलाई गई, जिसमें भाजपा के 74, जदयू के 43, हम के 4 और वीआईपी के 4 विधायक मौजूद रहने वाले हैं। श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मैच में 3 खिलाड़ी कर सकते हैं डेब्यू। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से जीतने के बाद अब भारतीय टीम 3 मैच की टी20 सीरीज के लिए तैयार है। रविवार को सीरीज का पहला टी20 मुकाबला खेला जाएगा। टीम इंडिया की युवा ब्रिगेड तैयार है अब टी20 सीरीज फतह के लिए। पहले मैच की बात करें तो मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को डेब्यू का मौका मिल सकता है। आईपीएल में दमदार प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया में कई युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है। वरुण चक्रवर्ती के अलावा कोच राहुल द्रविड़, देवदत्त पड्डीकल और ऋतुराज गायकवाड़ में से किसी एक को पदार्पण का मौका मिल सकता है। दोनों ने आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। ईशान किशन और संजू सैमसन दोनों को प्लेइंग 11 में रखा जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले पहले टी20 मुकाबले में किस टीम का पलराज ज्यादा भारी है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।